Ram, Shyam, and Mohan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1:2. Okay. Their fixed capitals are 3 lakh, 1 lakh, and so this is the fixed capital. Okay. Interest on capital for the year 31st March was credited to them at the rate 9%. So IOC kitna diya tha usko? 9% diya tha instead of 10%. Okay. The profit for the year before charging interest was प्रॉफिट चार्ज करने से पहले हमारे पास 2.5 लाख का था, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते रहे हैं कि प्रॉफिट दिखा के फिर डिडक्ट करके, या हम सिंपल देख लेते हैं कि पहले उसने जो आईओसी हमें क्रेडिट दिया हुआ था वो कितना था, 10%, सॉरी कितना दिया था उसने, 9% दिया था। 9% के अकॉर्डिंग हमें कितना क्रेडिट हुआ हुआ था, 27,000, 9,000 एंड 18,000, ये क्रेडिट हुआ हुआ था, जबकि हमें ये हमारा क्रेडिट था रॉन्गली क्रेडिटेड। ओके, और एक्चुअल क्रेडिट कितना होना था, दस परसेंट के हिसाब से 30,000, 10,000, 20,000, ये होना चाहिए था। अगो ठीक है, तो मतलब आपके पास कितना कम क्रेडिट है, 3,000, 1,000, 2,000, ये कम क्रेडिट है, ठीक है जी। तो ये आपको क्रेडिट करना था, तो टोटल आपके पास 6,000 रुपीस कम क्रेडिट था। ओके, तो अब आप इसे क्या करोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे, ये वाली अमाउंट को, और जितनी आपके पास कम क्रेडिट थी उसे डेबिट कर देंगे। 6,000 डिवाइड बाय 5, 1,200, तो 2,400, 1,200 और 2,400। देखो, नहीं समझ आ रहा तो बताओ मेरे को। देखो, मैं तुम्हें पी एंड एल में दिखा देता हूं। पी एंड एल में आपने क्या किया था, आईओसी जो क्रेडिट दिया था, हाँ जी, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो क्रेडिट दिया था वो था ये और ये। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट था 250, तो मतलब आपने कम क्रेडिट दिया हुआ था तो ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आपको करना कितना था क्रेडिट एक्चुअल में, ये वाला दूसरी अमाउंट, कौन सी, 30,000, 10,000 एंड 20,000। तो इससे आपका जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था
वो कंपैरेटिवली कम हो जाना था, मतलब आपके पास कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कम आना था। ओके, तो आपने क्या कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट में। फाइन, तो कितनी अमाउंट से आपने क्रेडिट करना था, ये वाला अमाउंट आपके पास क्रेडिट होना था। जो आपने एक्स्ट्रा किया हुआ था क्रेडिट, वो अब आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब पिछला जो आपने 27, 9 और 18 के कारण जो एक्स्ट्रा दिया हुआ था प्रॉफिट, ओके, वो कितना था, 6,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखे थे, अब उसे डेबिट कर दिया। किस रेशियो में, 2:1:2 में। ओके, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 600 क्रेडिट, 200 डेबिट, 400 डेबिट। तो जनरल एंट्री आ जाएगी आपके पास, ये राम श्याम मोहन है। ओके, तो आप एंट्री करोगे एस करंट अकाउंट, ओके, एम्स करंट अकाउंट, टू आर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट 200, 400 और ये 600। एनी डाउट? नो सर, ओके, नो सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 58 पे। क्या कह रहा है, कैंसलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। अब आपको, पहले आपने क्या किया था कि कम इंटरेस्ट दिया हुआ था, अब आप क्या दे रहे हो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो। 2:3:5 की रेशियो है आपके पास। ओके, फिक्स कैपिटल्स हैं आपके पास कितनी, 1,50,000, नहीं सॉरी, 15 लाख रुपए है आपके पास कैपिटल्स, 15, 30 लाख और 60 लाख। ओके, ये आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, 12% आपने दे रखा है। तो 12% के हिसाब से 1,80,000, 3,60,000 और 7,20,000 दे रखा है आपने, ये क्रेडिट कर रखा है। जबकि आपको क्रेडिट क्या करना था, रॉन्गली ये क्रेडिट है। ओके, एक्चुअल क्रेडिट कितना करना था आपने, दस परसेंट। 10% मतलब 1.5 लाख, 3 लाख और 6 लाख। ठीक है, तो ये 30,000, 60,000, 1,20,000, ये आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रखा है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रेडिटेड है। टोटल कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्रेडिटेड हो गया, 2,10,000। अब 2,10,000 को आप 2:3:5 में डिवाइड कर दो, 42,000, 63,000 और 2,10 से कितना आ गया आपके पास, 5 से ये 1,05,000। 1,05,000। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास, ये क्रेडिट कर देंगे। मतलब इतनी अमाउंट कम आपने क्रेडिट की हुई थी, तो अब ये क्रेडिट कर देंगे, 2,10,000। तो ये कितना आ गया, 15,000 डेबिट, 3,000
क्रेडिट यहाँ पे 12,000 क्रेडिट। तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, देखो एबीसी सीज करंट अकाउंट टू एज करंट टू बीज करंट अकाउंट कितना है 15,000 12,000 और ये आपके पास सिचुएशन समझ आया। यस सर। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट दैट इज 59th। क्या कह रहा है 59th आपके पास, एबीसी आर पार्टनर्स इन ए फर्म आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज्ड ऑफ इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016-17 इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल एट द रेट 6%। तो आईओसी कितना दे रहा है वो 6%। ओके although there is no provision for interest in the partner, मतलब देना नहीं था मगर आप 6% interest on capital दे रहे हो। उसने कहा कि partnership deed में कोई provision नहीं थी। okay fine तो their fixed capital on which interest was calculated were 1,80,000 and 60,000। तो fixed capital कितनी है 1,80,000 and 60,000। ओके लास्ट दो साल में आपके क्या था 2016-2017 क्या क्या प्रॉफिट रेशियो थी 3:1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी आपने राम और मोहन वाला क्वेश्चन करा दिया 36,000 और 48,000 वाला। बच्चे मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें मेरे को नहीं पता है, बता देना मेरे को क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है इसके बाद इस क्वेश्चन हाँ, के इसके बाद, बाद इसके बाद ठीक है। ओके तो आपके पास फिक्स कैपिटल्स ये दी हुई हैं 2016-2017 में, आपको आईओसी आपने दिया है 6% पर एनम जबकि आपको नहीं देना था। तो पहले जो रॉन्ग क्रेडिट किया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है 2016-2017 6% के हिसाब से 6,000 4,800 और 3,600 फिर 6,000 4,800 3,600 ये आपने गलत क्रेडिट दे रखा है ऑलरेडी। तो कितना है 14,400 और 14,400 का रॉन्ग क्रेडिट जबकि आपको रियल टर्म एक्चुअल क्रेडिट कितना आना था, एक्चुअल क्रेडिट 2016-2017 में आपके पास 14,400 को जो आपने यहाँ पे क्रेडिट दे रखा था। ठीक है अभी उसका क्या करेंगे 3:1 6 से डिवाइड कर दो 6 to the 12 ओके 24 तो 7,200 4,800 और 2,400 ये आ गया। और फिर आपके पास दूसरे साल में 10 से डिवाइड कर देते हैं 1,440 इसको 5 से 0, 20, 22 और 7,200 फिर 3 से 0
बारह और एक 13 और 3 1 4, ओके तो 2880। मतलब क्रेडिट होना था 14400, आपने कितना कर रखा था 12000, इसे डेबिट कर देंगे। 9600 को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे कितना एक्चुअल क्रेडिट होना था आपके पास 9120। आपने क्रेडिट कर रखा था 7200, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। होना कितना चाहिए था 5280। अब इन दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2400 क्रेडिट का, इसमें से 480 डेबिट का, और 72 में से 5200 गए 2000, और 1920 किसका आ जाएगा डेबिट का। ओके तो ये आपके पास एबीसी है, तो सी इज करंट, बी इज करंट, टू एज करंट अकाउंट कितना हो गया आपके पास 1920, 480 और 24। ये आपके पास आंसर बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अच्छा चलो, अब वो क्वेश्चन बताओ जो आप बोल रहे थे। सर वो मैंने आपको भेज दिया। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ जी, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। इलस्ट्रेशन 57B देख लेते हैं। ओके न्यू बुक। राम मोहन 2:1:1 की रेशो थी। ओके राम विड्रू 3000 एवरी मंथ। ओके राम की ड्राइंग्स है 3000 एवरी मंथ, तो 12 से कर देते हैं पूरे साल की 36000। और मोहन चार हजार 48000। ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओके वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। अब देखो, आपने आईओडी दे दिया, मगर पार्टनरशिप डीड तो क्या थी, साइलेंट थी। तो पहले तो आईओडी ढूंढ लेते हैं कितना है। आईओडी 6% इसका निकाल लेते हैं 36000 पे, 6/100, 0 6 36, 18 21, 2160 और 48000 पे 6%, 0 8 48 और 2880। अब ये आपने आईओडी दिया था। सर हाँ सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनटू 6/12, हाँ हाँ 6% ठीक है। पर एनम नहीं, वो उसे 50% करना था। रुक जाओ, तो 2160 का हो गया आपके पास 15। एक मिनट, 2160 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक 1080 सर 1080, और दूसरे का आ गया आपके पास 1440 1440।
ये आप आईओडी क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। आपने गलत डेबिट, रॉन्ग डेबिट दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, तो आपके पास जो है, एक मिनट, ये आ गया आपके पास कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 2400 और 2520, ठीक है। फाइन, 2520 आपके पास प्रॉफिट बढ़ गया। आपने उसको 2:1, कितनी है रेशियो आपके पास, सोहन, सोहन ने नहीं विड्रॉ किया ना कुछ भी, राम एंड मोहन है। ओके, राम मोहन, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2:1:1। एक मिनट, अब 2520 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, 6 से 24, 3 से 12, तो 630, 630 और 2 से 1260, ये रॉन्ग क्रेडिट आपके पास आ गया। तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट, और इसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 180, ये 630, ये डेबिट आ जाएगा, ये डेबिट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 और 810 क्रेडिट आ जाएगा। तो आर्स कैपिटल, एस कैपिटल, 2 एम्स कैपिटल, 610। देखो, हाँ जी, यस सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, ओके। चलो आज इतना ही करते हैं, कल करते हैं बाकी, ठीक है। एम आई थ्रू, यस सर, कल कल करते हैं, थैंक ओके, थैंक्स। यू।